नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नाम इस्लामोनगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इतिहास में 308 साल पहले इस गाँव को जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था, तब ये भोपाल रियासत का एक हिस्सा था। इस्लामनगर के लोग काफ़ी समय से इसका नाम बदलकर पुराना नाम जगदीशपुर करने की मांग कर रहे थे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी 2022 में इसका नाम बदलने की दिशा में काम शुरू किया था। तो आइए जानते हैं कि क्या है जगदीशपुर का इतिहास, इसका नाम इस्लामनगर कब और कैसे पड़ा। भोपाल के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि जगदीशपुर भोपाल रियासत का हिस्सा था। इस गाँव को राजपूतों ने बसाया था। साल 1715 से पहले जगदीशपुर के शासक राजा देवरा चौहान थे। उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। उनका पूरी भोपाल रियासत में काफ़ी रसूख था। लोग उनके शौर्य और कीर्ति का गुणगान करते थे। जगदीशपुर का किला अपनी वास्तुकला के लिए भी पहचाना जाता था। इतिहास में इसकी काफ़ी शानो शौकत रही है। जगदीशपुर को लेकर इसके आगे की कहानी इतिहास के पन्नों में धोखा, साजिश और क्रूरता से भरी हुई है। जगदीशपुर के इस्लाम नगर बनने की कहानी में मुगल शासक औरंगजेब के भगौड़े सैनिक दोस्त अहमद खान का अहम किरदार है। दरअसल औरंगजेब की मौत के बाद उनकी सेना का एक सैनिक दोस्त अहमद खान भागकर उत्तर प्रदेश, मलवा और मंगलगढ़ होते हुए जगदीशपुर पहुँच गया। पहले उसने जगदीशपुर पर हमला किया जिसमें उसे करारी शिकस्त मिली। इसके बाद जब उसे राजा देवरा चौहान की दरिया दिली और शानो शौकत की कहानियां सुनने को मिली तो उसने उन्हें नदी किनारे रात्रि भोजन का आमंत्रण दिया। राजा देवरा चौहान न्योता मिलने पर बेस नदी के किनारे पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ कई राजपूत सरदार भी थे। राजा देवरा चौहान और बाकी राजपूत मेहमान जब रात्रि भोजन कर रहे थे तभी शामियाने की रस्सियां काट दी गई। इससे पहले कि राजा देवरा चौहान और बाकी राजपूत कुछ समझ पाते उन पर हमला कर दिया गया। दोस्त मोहम्मद खान ने राजा देवरा समेत सभी चौहान मेहमानों को मार दिया। कहा जाता है कि उसने इतने कत्लेआम किए कि बेस नदी का पानी भी लाल हो गया। इसके बाद उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उसने उसका नाम बदलकर इस्लामपुर नगर कर दिया। करीब 8 साल बाद दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल और इस्लाम नगर को घेराबंदी करके किला निजामुल मुल्क को सौंप दिया। बाद में इस्लाम नगर 1806 से लेकर 1817 तक सिंधिया राज परिवार के पास भी रहा। पहले जगदीशपुर, फिर इस्लाम नगर और अब फिर जगदीशपुर का किला इतिहास की जिंदा गवाही है। इस किले की वास्तुकला आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ मौजूद गौंड महल, रानी महल और चमन महल अपनी प्राचीन शान और शौकत की कहानी बयां करती है। इसके अलावा यहाँ आज भी बड़े बड़े खुले मैदान हैं। किले के पीछे बह रही नदी का पानी अब काला हो गया है। वहीं चमन महल के पीछे दोस्त मोहम्मद खान के बेटों यार मोहम्मद खान और हयात मोहम्मद खान के मकबरे भी हैं। नया जगदीशपुर भोपाल जिले का एक गांव है। आज भी यहां ये किला देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग भी पहुंचते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।